जगह 8 मीटर रेडियस से जानदार वस्तु बिल्कुल खत्म कर देता है। स्नाइपर 7.62 mm SSG 69 स्नाइपर साहिबान यह हथियार ऑस्ट्रिया का बनया होया है अते 800 मीटर की दूरी तक निकलने वाले टारगेट नूं आसानी नाल बर्बाद कर सकता है। साहिबान 7.62 mm स्नाइपर राइफल यह हथियार इंडिया का बनया होया है अते 1200 मीटर की दूरी तक निकलने वाले टारगेट नूं आसानी नाल बर्बाद करके एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर सकता है। 5.56 mm लाइट मशीन गन नगेव साहिबान यह हथियार इसराइल का बनया होया है अते 800 मीटर की दूरी तक आसानी नाल दुश्मन नूं बर्बाद कर सकता है। साहिबान यह हथियार 1 मिनट में 850 राउंड तो लेके 1050 राउंड फायर कर सकता है अते दो जवान आसानी नाल पूरे काबिल रोक सकते हैं। साहिबान 7.62 mm AK-47 यह हथियार बुल्गारिया का बनया होया है वैसे तो इस हथियार 400 मीटर की दूरी तक फायर कर सकते हैं लेकिन प्रिटीकोन साइट लकी होने के नाल इस नाल असी 600 मीटर की दूरी तक फायर कर सकते हैं। मॉडिफाइड करके इसके उपर फ्रंट हैंड ग्रिप भी लगाया गया है जिसके उत्ते टॉर्च और इंडीकेटर की सुविधा होने नाल असी टारगेट नूं इंडीकेट कर सकते हैं। स्मैश 2000 डे एंड नाइट साइट साहिबान इस साइट की मदद नाल असी डे विच 300 और नाइट के 100 मीटर की दूरी तक आसानी नाल फायर कर सकते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके दे विच दुश्मन नूं लॉक करके आसानी नाल फायर कर सकते हैं अते ड्रोन के उपर भी 120 मीटर की दूरी तक लॉक करके फायर कर सकते हैं। छोटे सर जो सिक पिस्टन है ग्लॉक जय श्रीमान बताओ श्रीमान पिस्टल सिक 9 mm यह एक जवान नूं निजी प्रोटेक्शन अते सेकेंडरी वैपन के तौर पर मुहैया कराया गया है जो कि क्लोज प्रोटेक्शन अते रूम इंटरवेंशन बहुत ही सहायक हथियार है। ये ही VIP सिक्योरिटी के वरते जाने वाले यह सारे हैं हथियार हैं। 5.56 mm X95 यह इजराइल का बनया हुआ हथियार है अते 1 मिनट में 700 तो 1000 राउंड फायर करने की क्षमता रखता है। 5.56 mm SG552 यह स्विट्जरलैंड का बनया हुआ हथियार है 1 मिनट के 700 राउंड फायर करने की क्षमता रखता है अते 300 मीटर तक किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। 9 mm MP9 यह हथियार 9 mm राउंड फायर करता है 100 मीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को बर्बाद कर सकता है। यह हथियार VIP सिक्योरिटी और रूम इंटरवेंशन वास्ते वरता जाने वाला सब तो कारगर हथियार है। श्रीमान जय श्रीमान RLT बिल्डिंग इंटरवेंशन और रूम इंटरवेंशन करने लिए बंदे को जिले तो ऊपर ले जाने इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह 100 मीटर का कॉइल होता है 20 मीटर के नाल एक्सटेंडेबल CD है इस तरह राउंड है जो जिद रॉप उपर चले जाते हैं जिसकी मदद में बंदे सीढ़ी के जरिए ना जाके ये रॉप की मदद अंदर जाया जा सकता है। नाल HSTI मिनी HSTI श्रीमान ऑपरेशन के दौरान हम किसी क्वाइंट का यूज करते हैं सेकेंडरी वेपन यूज करने के लिए कमांडो होलिस्टर का यूज करता है जिससे आसानी से दोनों हाथ से वेपन को कैरी किया जा सकता है। ब्लास्टिंग गॉगल्स अगर ऑपरेशन के दौरान हमें IED ब्लास्ट करने की जरूरत पड़ती है तो एक कमांडो की आंखें सेफ रखते हैं जिसका हम यूज करते हैं। नी पैड एल्बो पैड जिसके दौरान क्रोलिंग या अन्य कोई एक्टिविटी के दौरान हम एक कमांडो सेफली अपने टारगेट तक पहुंचता है। फायरिंग ग्लव तथा मल्टीपर्पज ग्लव के रूप में यूज करते हैं ताकि बार बार एक कमांडो को अपने ग्लव चेंज ना करने पड़े। कमांडो पोस्ट जो रात के टाइम में कमांडो को बहुत हेल्पफुल साबित होती है। कमांडो डैगर वॉक्स यूनिट विद टैक्टिकल यूज के साथ में शोल्डर और अपने ईयर्स के साथ हम यूज करते हैं। मल्टीपर्पज नेटवर्क सबसे इम्पोर्टेंट सर जब कोई कैजुअल्टी एक्टिवेशन करने के लिए कमांडो लिस्ट को यूज कर सकता है। मल्टीपर्पज रुकसुक अपने सभी इक्विपमेंट तथा वेपन कैरी करने के लिए कमांडो मल्टीपर्पज रुकसुक का यूज करता है। डिहाइड्रेशन पैक जिसके दौरान 1-3 लीटर पानी एक कमांडो अपने साथ कैरी कर सकता है। जय श्रीमान माइंड प्रोटेक्टिव व्हीकल कैस्पर श्रीमान यह व्हीकल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप नूं मुहैया करवाया गया है। यह व्हीकल दे विच 12 जवान फुल टैक्टिकली मूव कर सकते हैं। 30 किलो तक दी फटन वाली ID तो इस बिल्कुल सेफ रखता है।